खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। बिहार ये क्रांति की भूमि है और ये कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम का स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं हाजीपुर से। और देखिए यहां जनता में किस कदर उत्साह है। आपको मैं बता दूं, गर्मी बहुत तेज है बिहार की बात की जाए तो, लेकिन लोगों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह, किस तरह की सरगर्मी यहां पर नजर आ रही है। तमाम पार्टियों के नुमाइंदे यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन हाजीपुर के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले आज जो एक बड़ी खबर रही है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया था। परमाणु बम का जो बार बार जिक्र करता है पाकिस्तान, उसके नेता जो गीदड़ भभकी देते हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सीधा जवाब दिया था, यह कहते हुए कि हमारे पास भी जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो दिवाली के लिए नहीं है। लेकिन जरा देखिए आप महबूबा मुफ्ती को किस कदर यह बयान नागवार गुजरा है। उनका यह बयान आ गया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान ने भी, अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कह रहे हैं तो पाकिस्तान ने भी ईद के लिए नहीं रखा परमाणु बम। अब सवाल यह है कि आखिर महबूबा को भारतीय प्रधानमंत्री का यह बयान क्यों नागवार गुजर जाता है। आप जरा एक रिपोर्ट देखिए किस तरीके के बयान दिए गए हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चुनाव में भारत के परमाणु पावर की एंट्री, मोदी ने कहा दिवाली के लिए नहीं है एटम बम। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या। पाकिस्तान से पहले मोदी को महबूबा का जवाब, वहां भी जो पाकिस्तान के पास होंगे वो भी ईद के लिए नहीं रखे होंगे, ये हिसाब बराबर होता है। चुनाव में बीजेपी की तरफ से पाकिस्तान का शोर, पुलवामा के अंदर हमला हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हो गए, 40 जवान शहीद होने के बाद पाकिस्तान ने सेना बॉर्डर पर खड़क दी, टैंक लगा दी, तोपे लगा दी, उनको लगा कि मोदी जी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न करे, मगर मोदी जी की भी चप्पल की छाती है भैया, चप्पल। कांग्रेस ने मोदी को दिलाई चुनावी वादों की याद। चुनाव में देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी आपने जो वादे किए थे उनका क्या किया। हर चुनाव में आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को परमाणु धमकी दिलाएगा वोट। जो वादे किए थे उनका क्या किया। हर चुनाव में आप सिर्फ। तो देखिए किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर इस पर चर्चा भी होगी, इसके तमाम मायने मतलब निकाले जाएंगे। लेकिन चूंकि हम हाजीपुर में हैं, मैं जरा इसके बारे में पहले आपको बता दूं, हाजीपुर बिहार की राजधानी पटना से सटा हुआ यह इलाका है और हाजीपुर की अगर बात की जाए वैशाली जिले में आता है। 3 लोकसभा क्षेत्र यहां पर है, इसे भी समझिए, वैशाली है, हाजीपुर है, उजियारपुर है। विधानसभाओं की बात की जाए तो कुल 8 विधानसभाएं यहां पर हैं और यह भी अहम है, इसे भी आप समझिए, लालू प्रसाद यादव के जो दोनों बेटे हैं इन्हीं इलाकों से वो विधायक भी हैं। तो आप समझ सकते हैं एक तरफ लालू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ रही है। इन तमाम मसलों पर हम बात करें उससे पहले जरा इस इलाके के बारे में समझिए। हाजीपुर का जो मुकाबला है पशुपति कुमार पारस और शिवचंद्राम, दो हाई प्रोफाइल नाम, एलजेपी और आरजेडी के ये दोनों नेता हैं, इनके बीच मुकाबला। अगर मैं 2014 की बात करूं तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि उस वक्त क्या गवाही दे रहे थे आंकड़े। रामविलास पासवान यहां से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 1991 के बाद यह पहला मौका है जब रामविलास पासवान यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी जो अनुपस्थिति है, हो सकता है कि एलजेपी को खले, लेकिन पूरी तरीके से मुस्तैदी से एलजेपी चुनाव लड़ रही है। ये देखिए 2014 का आंकड़ा आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, एलजेपी के खाते में तब 50% से भी ज्यादा वोट गए थे और कांग्रेस के खाते में तब 25.41% वोट गए थे, यानी दूसरे नंबर पर तब कांग्रेस थी।
इस बार क्या होगा, क्या कांग्रेस ये प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर कुछ करिश्मा कर पाएगी, ये तमाम तरह के सवाल आते हैं। तो हाजीपुर के जो मुद्दे हैं उन पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान को, जो उन्होंने जवाब दिया था कि हमने भी दिवाली के लिए नहीं रखे न्यूक्लियर बॉम्ब, इस पर आखिर महबूबा क्यों नाराज हो गई, क्यों उनको यह बयान जो है नागवार गुजर गया। बातचीत करने के लिए जो मेरे साथ यहां पर नुमाइंदे मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। मेरे साथ यहां पर कांग्रेस की नेता हैं प्रतिमा कुमार, इनसे हम प्रतिमा कुमारी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आरजेडी से मेरे साथ यहां पर विकास कुमार चौरसिया साहब जुड़ गए हैं, रवि कुमार चौरसिया हैं। शिवचंद्र राम को आना था, आरजेडी के जो यहां से उम्मीदवार हैं, लेकिन वो नहीं आ पाए किन्हीं वजहों से। अवधेश सिंह हैं एलजेपी से मेरे साथ यहां पर, और ज्योति कुमार हैं, आप हैं बीजेपी के नेता। आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि महबूबा के साथ आप लोग सरकार में भी रहे, क्यों नागवार गुजर रहा है उन्हें, अब अगर परमाणु बम की धमकी प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, तो क्यों महबूबा परेशान हो रही हैं? वो महबूबा आज ये जान गई है कि मोदी है तो मुमकिन है, सत्ता से हटने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता में यह विश्वास मोदी जी ने जीत लिया है कि फिर से दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती आपके साथ लंबे वक्त तक सरकार में रही जम्मू कश्मीर में जी, तो वो समझा नहीं पाए क्या आप? नहीं नहीं, मैं राष्ट्रवाद उनको आप समझा नहीं पाए लग रहे? राष्ट्रवाद उनको पता है कि भारतीयों के पास कैसी राज, आपकी जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है उसके मुताबिक मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप उन्हें वो राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं समझा पाए? नहीं, वो कितना समझ पाए तो वो तो उन पे डिपेंड करता है। अच्छा। हम तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से उनको सही जानकारी दे दिए हैं। और ये बात सही है कि मोदी है तो मुमकिन है, हम न्यूक्लियर बम अपने पड़ोसी देश के लिए नहीं रखे हैं या किसी वैसे व्यक्ति के लिए नहीं रखे हैं, हम अपने आत्मसम्मान के लिए रखे हुए हैं, अगर जरूरत पड़ने पे मोदी जी इसको कहीं भी जाके छोड़ सकते हैं। महबूबा मुफ्ती क्यों ये बयान दे रही हैं, क्यों दिक्कत उन्हें हो रही है अगर प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं? सबसे पहले तो हम आपको, वैशाली जिला विश्व के लोकतंत्र की प्रथम भूमि है और माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर में, यहाँ की जनता 37 लाख जनता की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। आप थोड़ा देर पहले पूछ रहे थे, अच्छा लगा, विद्यार्थी कमजोर होगा तो उसको पढ़ाते पढ़ाते सिलेटा कॉपी सब किया जाएगा लेकिन न समझ पाएगा, यही स्थिति। अच्छा, मतलब महबूबा मुफ्ती को आप विद्यार्थी कह रहे हैं? राजनीति में तो मोदी जी के सामने विद्यार्थी, हाँ प्रिंसिपल थे। अच्छा, भाई चांसलर सिखा नहीं पाए, सिखाए विद्यार्थी कमजोर होगा तब सीखेगा कैसा, सिलेटे फोड़ देगा कॉपिये फाड़ देगा, तो इसी में से हुआ विद्यार्थी। गुरु पे भी तो सवाल खड़ा हो सकता है, गुरु पे भी तो सवाल खड़ा हो सकता है कि शिष्य को क्यों नहीं सिखा पाए ना, सिखाए सीखे कुछ दिन सीखा फिर भूल गए, तब मेमोरी कमजोर है तब डॉक्टर के पास फिर जाना होगा तब इलाज होगा। चौरसिया जी मुस्कुरा रहे हैं, आरजेडी के आप नेता हैं चौरसिया जी, महबूबा मुफ्ती को क्यों नागवार गुजर जाता है अगर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया? देखिए, सवाल देश का है और चुनाव भारत में हो रहा है, और भारत में चुनाव हो रहा है और अभी कोई वैसा परसेप्शन नहीं है कि न्यूक्लियर की चर्चा करनी चाहिए। न्यूक्लियर बम अपने अपने देश के सुरक्षा के लिए है और न्यूक्लियर बम हमारे देश में है तो हमारे सीमा नहीं, सुरक्षित नहीं, लेकिन चौरसिया जी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा आपके बयान से लग रहा है कि आपको दिक्कत प्रधानमंत्री मोदी के बयान से है ना कि महबूबा मुफ्ती के बयान। नहीं नहीं, हमको दोनों के बयान से दिक्कत है, दोनों ने देश में जो चुनावी माहौल है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ चुनाव होता है और विकास के सवाल कहाँ है, यदि इनको 5 साल विकास किए हैं तो उस मुद्दे पर एक भी चुनावी कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा नहीं किया। ना किस तरीके का बयान पाकिस्तान देता है परमाणु बम को लेकर हर आए दिन, पाकिस्तान में आज चुनाव नहीं हो रहा है, आज चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं, आज महबूबा मुफ्ती उसमें आपत्ति जाहिर कर रही है, आपको भी उसमें दिक्कत नजर नहीं आ रही है, आपकी सहानुभूति दिख रही है मुझे महबूबा मुफ्ती के प्रति रह चुकी है। अच्छी तरीके से मोदी जी ही बता सकते हैं कि क्या दोनों में आपसी, एक बात आपने निंदा नहीं की, महबूबा मुफ्ती ने गलत बोला, महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी दोनों के बयान की मैं निंदा करता हूं। ये लोग महबूबा मुफ्ती के सहयोगी की भूमिका में हैं और राष्ट्रवाद से लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हमारे देश में चुनाव हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को हो रहा है, आज चुनाव में मजबूत कांग्रेस को लगता है कि प्रतिमा जी की गलत बयान है, कोई मुद्दा नहीं, महबूबा मुफ्ती ने गलत बयान दिया लगता है कि मैं दोनों, मैं माननीय मोदी जी और महबूबा मुफ्ती जी के बयानों का मैं खंडन करती हूं, मैं निंदा करती हूं, लेकिन जैसा कि उनके सहयोगी दल के अभी हमारे प्रवक्ता महोदय ने ये कह रहे थे कि जो बोले मोदी जी प्रिंसिपल है और उनके स्कूल की टीचर शिक्षिका है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है,
तो ये तो बात जाहिर हो गया कि प्रिंसिपल और शिक्षा छात्र के बीच की ये बात है, और ये दोनों मिलके देश के लोगों को मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, ताकि यहाँ के लोग भटक जाए, महिला सुरक्षा से भटक जाए। किसान मैडम जो कही है कि उनकी स्टूडेंट है, मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है, कोई जरूरी नहीं है कि उस स्कूल के विद्यार्थी सभी प्रोफेसर डॉक्टर और कलेक्टर बन जाए, उसी स्कूल से कुछ चोर भी निकलते हैं। ये स्टूडेंट और विद्यार्थी का मामला नहीं है, ये दोनों मिल करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं, और ये पाकिस्तान और भारत को मुद्दा बना के जनता को ठग के फिर वोट लेके एक बार सत्ता में मैं कहना चाहता हूँ ये मोदी जी बेरोजगार को रोजगार देना चाहते थे, उस बारे में बोलना चाहता हूँ। यहाँ 6 कंपनियां हैं, देखिए लिस्ट में। मैं इस पे आऊंगा, आप बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले इस बयान पर लोगों की जरा मैं प्रतिक्रिया ले लो। सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं। मैं मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर जब भाजपा की सरकार बनी थी तो वो राम मंदिर की मुद्दा थी, वो पहला मंदिर राम मंदिर ही था जो कि भाजपा की सरकार बनाई थी। इसलिए मोदी जी ने यूपी में जो कांड करवाया, लोगों को लगा कि कम से कम कांग्रेस को इसलिए हटाया गया कि कांग्रेस में जनता ना खुश थी, इसलिए भाजपा को लाया गया। भाजपा ने 3 साल तो कुछ नहीं किया, जब ये 4 साल फिर जब चुनाव का वक्त आया तो उसने हिंदू मुस्लिम करके या पाकिस्तान को लेकर के ये फंसाया जाता है, मतलब मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं। एक मिनट, अब 2.5 क्विंटल RDX पकड़ाया, उस पर मोदी जी का जांच का क्या हुआ? मोदी जी कहते हैं कि आज महबूबा मुफ्ती न्यूक्लियर और परमाणु बम, और इसका क्या हुआ RDX का? मेरा सीधा सवाल है कि हम पाकिस्तान से वापस कब आएंगे? ये हिंदुस्तान की चुनाव है और हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। यहाँ पाकिस्तान से वापस कब आएंगे? एक मिनट, मेरा जो सवाल है वो पहले सुन लिया जाए। यहाँ दलित के हर लोग नेता हितैषी बनते हैं। जब दिग्घी में दलित की बेटी को मारा गया तो कहाँ के थे? राघोपुर जो तेजस्वी नहीं, सभी दलों से है। राघोपुर में जब तेजस्वी के गृह क्षेत्र में जब मारा गया दलित को, बेटा घर जलाया गया, तो कहाँ थे? मैं जवाब लूं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले ज्योति जी, बीजेपी के आप नेता हैं, पाकिस्तान बार बार क्यों आप चले जाते हैं? जनता पूछ रही है, हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, आप लोग पाकिस्तान पहुंच जा रहे हैं। आपने बयान सुना होगा, पाकिस्तान बराबर धमकियां दे रहा था कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, उसका जवाब था मोदी जी के पास, उसका जवाब उन्होंने जनता के बीच में दिया। पाकिस्तान की बात कुछ नहीं है, हम ऐसे ही लड़ाई में फोड़ने के लिए रखे हैं। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। आपको याद, सुन लीजिए भाई साहब, सुनिए, सबको पता है कि जब होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, तब इनको महबूबा को किडनैप किया गया था, और किडनैप करके जब इंडिया गवर्नमेंट उनको छोड़ा के लाया गया तो उनके घर में उग्रवादी का तोलिया पकड़ाया, ये सारा न्यूज में था, सारा पेपर में था, सभी आदमी जानते हैं इंडिया के। कहना क्या चाह रहे हैं? छोटे में बोलिए। छोटा में बोलते हैं कि जो मोदी जी बोले हैं वो देश हित में बोले हैं, और महबूबा मोदी बोली हैं, महबूबा जो भी बोली हैं उनकी निंदा होनी चाहिए, पूरा देश के विरुद्ध में होनी चाहिए। हाँ बोलिए। महबूबा मुफ्ती का बयान देशद्रोही वाला बयान है, वैसे व्यक्ति को हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, वो खाती है हिंदुस्तान का और गाती है पाकिस्तान का। सर, रोटी कपड़ा और मकान मुद्दा कब बनेगा इस देश में? रोटी कपड़ा और मकान का मुद्दा बनेगा, और ये सभी नेताओं से सवाल है, बहुत ही बुनियादी सवाल है। आप लोगों पर ये आरोप है, और देखिए जनता भी कह रही कि आप लोग जानबूझकर इस तरह के भाव के मुद्दे उठाते हैं, भावनात्मक मुद्दे, ताकि बुनियादी जो जनता के मुद्दे हैं उसे कहीं उसे आप लोग पीछे छोड़ देते हैं। LJP के नेता मेरे साथ, बताइए। हम बताना चाहते हैं आपको, भारत में 86.23% देहाती क्षेत्र में किसी जाति किसी समुदाय के लोग हैं, सभी को 2 रुपये अनाज, 2 रुपये गेहूं और 3 रुपये चावल देना है और दिया जा रहा है, और शहरी क्षेत्र में 74% ग्रामीण इलाके का है क्या? हाजीपुर के ग्रामीण इलाके में जो रहता हो मिला है क्या जो ये कह रहे हैं अवधेश जी, जो कह रहे हैं मिला है? सरासर गलत है। जो चावल गेहूं दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया जा रहा है, ये
हम मेरा एक ही प्रश्न है, हम लोग 1947 के पब्लिक नहीं है, आप जो हम लोग 1947 के पब्लिक नहीं है, अब हम लोग को हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में नहीं फंसाया जा सकता। खाली कोठा वाला के मिलता है, तीन दिन गोला कार्ड और पीला कार्ड, मतलब जो बड़े घरों में रहते हैं उन्हें मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? अब देश जी जवाब दीजिए, आपके नेता रामविलास पासवान लंबे वक्त तक यहाँ से सांसद रहे, अभी सिटिंग एमपी है, जनता में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बड़े घर के लोग हैं उन्हें मिलता है, बता रहा है जनता को, गरीब जनता को नहीं मिला? मैं सुना ना जाए, यह इनके सरकार में था, पूर्ववर्ती सरकार में था, ये पहले केवल बीपीएल धारी को दिया जाता था, जब माननीय रामविलास पासवान जी जब बने मंत्री तो इन्होंने एपीएल बीपीएल दूर कर करके और देश में 86.23% लोगों को सस्ती अनाज 3 रुपया 2 रुपये यहाँ हाजीपुर की महान जनता बैठी हुई है और महान जनता के कारण लगभग दो बार रामविलास पासवान जी रिकॉर्ड वोट से जीते थे, ठीक है, और यहाँ 40 वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पिछले 5 साल में जो उनको मंत्रालय मिला खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, आप लोगों ने क्या किया, आरजेडी ने क्या किया, लालू यादव के दोनों बेटे पुत्र यहाँ से विधायक है, पता है ना आपको, तेल मिलता था यहाँ, आप लोगों ने क्या किया, आरजेडी आरजेडी ने गरीबों का सुपुर्द किया है, पूरे बिहार में इतिहास है, इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हाजीपुर में विकास, सुन लीजिए बारी बारी, 2 रुपए किलो अनाज सब जितने ग्रामीण है सभी को मिलता है, इसमें कोई दोरा नहीं है, रामविलास पासवान जी ने सी पेड लाइफ होटल मैनेजमेंट रेलवे स्टेशन की दौरी कर एकदम झूठा बाजा है, यहाँ के ये कह रहे हैं नहीं मिलता है, हमको मिलता है 2 रुपए किलो चावल 3 रुपए किलो और रामविलास पासवान जी ने यहाँ सीपेट नाइट पर होटल मैनेजमेंट, ठीक ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें मिलता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिलता है, एक मिनट, हाँ, अरे मनुष्य की 5 जो आवश्यकता की चीजें है, रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा की गारंटी इस सरकार में मिली है, सबको अनाज सबको मकान सबको चिकित्सा और सबको शिक्षा की गारंटी मिली है, कोई गारंटी मिली है या मिल भी गया है, मिल गई है, गारंटी गारंटी या मिल गया, 5 लाख रुपया का जन आरोग्य योजना पीएम पीएम, आप ग्रामीण क्षेत्र में चले, देखिए यहाँ पर सभी लोग किसी न किसी दल से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग किसी न किसी दल से जुड़े, इसलिए अपनी अपनी बात हिसाब से, ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी हैं, प्रतिमा जी हैं, प्रतिमा जी मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आप लोग बार बार जो नारा बुलंद कर रही कि अब होगा न्याय, इतने सालों तक दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा पूरे देश में, क्यों अब ये कहना पड़ रहा है आपको कि अब होगा न्याय, इसलिए अब तक आप लोगों ने अन्याय किया था, ऐसा नहीं है, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब कांग्रेस यूपीए सरकार ने ही दिया है और इसलिए की बात कही, महिला सुरक्षा की बात कही, 15 लाख रुपया गरीबों को देने की बात कही और सभी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था, देश को बर्बाद कर दिया मोदी बर्बाद किया। बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ एनडीए के लोगों से कि 20 साल से आपकी सरकार रही, लगातार आप सांसद रामविलास जी रहे, हमारे शहर में हाजीपुर शहर में ना आपने एक स्टेडियम दिया, ना पार्क दिया, ना सीवर का आज तक कोई काम किया, ना जल धली कुछ नहीं, खाली आपने परिवारवाद का काम करने का काम किया है। अवधेश जी बहुत ही गंभीर आरोप आप पर लग रहा है, रामविलास पासवान लंबे वक्त तक यहाँ सांसद रहे, जो चीजें मिलनी चाहिए थी यहाँ जनता को नहीं मिली, यहाँ तक कि अब परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, रामविलास पासवान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनके भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 100 करोड़ रुपया रामविलास पासवान जी दिलवाए, इनका सरकार जनता झूठ बोल रही है, इनका सरकार जनता झूठ बोल रही है, जो बोल रहा है पार्टी विशेष के लोग हैं, यहाँ 125 करोड़ रुपया दिलवाए सीवरेज के लिए, उनसे काम शुरू है, काम चल रहा है, इनका सरकार था काम धीमा कर दिया था, 125 करोड़ से चल रहा है, जुमलाबाजी नहीं चलेगा, सवाल है कि यहाँ पर सुन लीजिए, लोकल विधायक बीजेपी से रहे हैं, माननीय सांसद रामविलास पासवान लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है,
लेकिन हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया का ना तो आज तक सड़क बना है, ना सीवरेज बना है, यहाँ तक कि कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, ना यहाँ निवेश सुरक्षित है, ना निवेशक सुरक्षित है। बिहार का विकास कैसे होगा बताइए अवधेश जी, फिर एक बार आपसे सवाल बताइए। यहाँ फिर इंडस्ट्रियल एरिया को यहाँ बनवाया और इंडस्ट्रियल गलत बात, गलत बात बनवाया, गलत बात। इंदिरा जी बात रखिए, एक साथ मत बोलिए, किसी की बात कोई नहीं सुन पाएगा, बारी बारी से रखिए। एक मिनट, सर जनता के कुछ सवाल ले लेते हैं। देखिए चुनाव है, आप लोग भी जनता के बीच ही जा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए आप सांसद प्रतिनिधि हैं, चुनाव है, आप जनता के बीच ही जा रहे होंगे। मैं जनता के कुछ सवाल ले लेता हूँ। मेरा एक सवाल पीछे पीछे चलिए, मेरा एक सवाल है, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं हम सभी लोग जानते हैं, कृपया शांति रखिए। शिवचंदर राम जी 2.5 साल बिहार सरकार में खेल एवं युवा संस्कृति मंत्री रहे, और वैशाली जिला में, मैं बिहार की बात नहीं सिर्फ वैशाली जिला की बात कर रहा हूँ, जहाँ के वो स्थानीय होने की बात करते हैं, पूरे वैशाली जिला में हर प्रखंड में घूम घूम के कहे कि मैं स्टेडियम बनवाऊंगा। अगर कहीं एक स्टेडियम हो, शिवचंदर राम जी 4-4 स्टेडियम बनाए, मेरे साथ यहाँ पर एक खास नेता है, एक मिनट, मेरे साथ यहाँ पर एक खास मेहमान है, लालू राबड़ी मोर्चा से हैं आप, लालू राबड़ी मोर्चा से हैं, क्यों ये मोर्चा बनाना पड़ गया? यहाँ जितने भी दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां यहाँ के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। कौन कौन पार्टी? आरजेडी और एलजेपी। तो आरजेडी की बात कर रहे हैं आप, लालू राबड़ी मोर्चा कह रहे हो, आप आरजेडी में कौन है फिर? हम मोर्चा बना है इसी के कार्यकर्ता को मान सम्मान के लिए और विकास करने के लिए, इसीलिए लालू राबड़ी मोर्चा बना है। चौरसिया जी आप आरजेडी के नेता हैं, एक कहावत है हिंदी में कि घर का भेदी लंका ढा है, यहाँ लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर लोग बैठे हुए हैं, इनसे कैसे निपटिएगा? दुश्मन से तो निपट लीजिएगा। लालू राबड़ी मोर्चा जो बना है, उनके प्रत्याशी से पूछिए, बलेंदर जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि उनको सेम्बुल क्या मिला है, और वो जयप्रकाश जनता दल के कैंडिडेट हैं और गुमराह करते हैं। आप चुनाव आयोग और वैशाली जिला के चुनाव आयोग में जाकर डीएम को क्या पूछे, उनका चुनाव सेम्बुल है, और इसको गठबंधन करने का हुआ है, इसलिए हम गठबंधन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचान नहीं है और उसे समर्थन करके हम लिए हैं यहाँ गठबंधन। आप वोट काटेंगे ना फिर आरजेडी के? नहीं काटेंगे, ये लोग बाहरी दोनों उम्मीदवार है, हम वोट कैसे देंगे? मतलब असली आरजेडी आप लोग हैं? आरजेडी हम लोग असली है, हम लोग असली आरजेडी है। ये तो घर में लड़ाई हो गई है, दावा ठोक रहे असली आरजेडी है। आरजेडी आरजेडी का चंदा है, बर भाई के हक आरजेडी का है। 15 वर्षों में बारी बारी से आरजेडी का सिंबल क्या है दुनिया जानती है? भारत में आरजेडी का सिंबल क्या है दुनिया जानती है? और शायद अखिलेश जी आप भी जानते हैं, लुटेरा है उसको गद्दी दिया जा रहा है। चलिए अब मैं दूसरे का सिंबल, आप बैठिए पीछे, चलिए पीछे, चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, पीछे चलिए, पीछे पीछे चलिए। अब मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है, सुन लीजिए, एक मिनट। हमारे कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, हाजीपुर की जनता से मैं जानना चाहता हूँ कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जरा फटाफट बोल दीजिए। मोदी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। देखिए, अरे आराम से, लालू चौकीदार। देखिए, एक आवाज जो हर तरफ से आ रही है वो मोदी, दूसरी तरफ से कई आवाजें आ रही हैं, कोई लालू यादव का भी नाम ले रहे हैं, कोई राहुल गांधी का भी नाम ले रहे हैं, ये कंफ्यूजन जो है इसमें क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं दे रहा है, सब लोग बोल रहे हैं चौकीदार चोर है। नहीं नहीं, आप सुनना नहीं चाह रही, मैं बहुत स्पष्ट सुन रहा हूँ, आप नहीं सुनना चाह रही हैं। चौकीदार, कोई आवाज नहीं आ रही है ना, और इसलिए जनता का चौकीदार चोर है, आप साथ है, आप इतना गंदा हिंदुस्तान में कोई नहीं है कांग्रेस पार्टी। एक मिनट, आज
इधर आपका कौन नेता है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक तरफ मोदी मोदी आवाज आ रही, दूसरी तरफ कई नाम है। मैं बता रहा हूँ चुनाव चुनाव एमपी का है और हिंदुस्तान में संसदीय प्रणाली है। अच्छा, और एमपी का चुनाव में आप लोग कौन बनेगा प्रधानमंत्री का जो कॉन्सेप्ट लेके घूम रहे हैं। अच्छा, जब सही एमपी चुन के जाएगा। अच्छा, और जो बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा। मोदी जी है एनडीए के चौकीदार नहीं है, क्यों परे हो चक्कर में, चौकीदार परे, एक मिनट, कोई परे हो चक्कर में, कोई नहीं चक्कर में, इकलौता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, सुन लीजिए मेरा सवाल, एक मिनट। अच्छे दिन आए क्या? चलिए पीछे 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 चलिए आप पीछे पीछे। गरीब को सोचत मिला, शौचालय मिला, हो गया, उसके बाद उसको गैस कनेक्शन मिला गरीब को, हो गया। माइक मत पकड़िए, हमारा नारा मत लगाइए, अपनी अपनी बात रखिए, नारेबाजी से कुछ होगा नहीं। एक मिनट मोदी कुछ रोक, एक मिनट, आप लोग नहीं, आप बहस को डिरेल नहीं कर सकते, एक मिनट, आप लोगों का कोई मुद्दा है तो रखिए, नारा मत लगाइए, पीछे चलिए, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोगों को नौकरी मिली कि नहीं, आप लोग स्टूडेंट हैं, क्या हालत है नौकरी की, आप बिहार जो है ना आईएएस हो गया, इनके दिया और लोगों को आईएएस में ज्वाइन करवा दिया बिना मेरिट का, 15,000 किसने, 15 लाख का जुमला था वैसे ये मोदी है, तुम लोग जी ना आजीवन बिहार जाएंगे झूठ बोलने वाले मोदी को प्रधानमंत्री। पहले की बात करते हैं, अब मुझे उधर एक मिनट, 70 साल सत्ता में रहे थे और उस समय गरीबी याद नहीं है इनको। चलिए ये सवाल कांग्रेस से है प्रतिमा जी, ये सवाल आपसे है, 70 साल आप लोग सत्ता में रहे तब गरीबी याद नहीं आई, अब आप कह रही है कि न्याय दिलाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, हमेशा कांग्रेस न्याय के साथ विकास किया है, जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, उनके सभी का विकास हुआ है। हाँ। महिलाओं का विकास हुआ है, दलित अजरा पिछड़ा जात पात देख करके विकास यहाँ नहीं हुआ है, यह पूरा देश का विकास हुआ है। चलिए ठीक है, आप कह रही है, जनता नहीं कह रही है। अब देश जी आप काफी उत्साहित है, हाजीपुर में ऐसा आप लोगों ने क्या किया आपके नेता ने कि जनता आपको फिर से वोट दे? पांच काम गिनवाइए, पांच क्यों काम, सड़क बनवा, 24 घंटा बिजली दिलवाने का काम किए। अच्छा, 24 घंटे बिजली रहती है कि नहीं रहती है? 24 घंटे बिजली रहती है, 24 घंटा बिजली रहती है। आगे बोलिए, और 2 रुपये 3 रुपये अनाज दिलवाने का, अनाज वाले में तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं मिला, 7 लाख ना, इनको तो बिल्कुल नहीं मिला ऐसा लग रहा है, बार बार देखिए मंच की तरफ आ रहे हैं। उजाला योजना से गैस कनेक्शन गरीब के घर में दिलवाने का काम किए, वह गरीब के जो झोपड़ी था उसका लाभ, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक के करवाए, और यह किया है, और हम आपको बताएंगे। अच्छा मोदी जी, छोटे में सर, अरे आपके सहयोगी हैं, आपके नेता है ना नित्यानंद राय जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उजियारपुर की घटना है कुछ दिन पहले की, जनता ने उन्हें खदेड़ दिया, जनता कह रही कि मोदी जी को तो हम वोट देंगे उनके नाम पर, लेकिन आप लोगों से नाराज हैं, ये क्यों? नाराजगी वैसी नहीं है, तो नित्यानंद राय जी को क्यों खदेड़ दिया गया उनके इलाके में, वहां से सांसद है उजियारपुर से, पर्टिकुलर हमारे विरोधी के कुछ गुंडे तत्व ने ऐसा घटना किया, आप इसकी पुष्टि अपने रिपोर्टर से कर सकते हैं। इनके पार्टी में गुंडे तत्व है, ये तो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नित्यानंद, आपका सर्वे हो रहा होगा, आप देख लीजिए, नित्यानंद राय उजियारपुर से भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, जनता नहीं करे थे, आप किसी भी जनता से पूछिए, वोट हमेशा मोदी को मिला। आपके यहाँ पे वो दूसरा मोर्चा बनाकर बैठे हुए हैं, दूसरे भाई जो है तेज प्रताप यादव। अच्छा जी, यहाँ का जनता का मत है, यहाँ से भारी कोई नहीं है टक्कर में, बल्कि 40 सीट पर हमारी जीत हो रही है। यहाँ किसी के पास कुछ कहने के लिए बोलिए, नारा मत लगाइए, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। पीछे चलिए, मैं आ रहा हूँ, पीछे चलिए, नारा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ राम मिला जी से कि बारी बारी से पूछिए, 3 दलित सीट इनको मिला, क्या इनके खानदान के अलावा कोई दलित नहीं है? जवाब दीजिए अवधेश जी,
जो रिजर्व सीटें मिली, क्या पासवान जी के खानदान में जो लोग हैं उनके अलावा कोई दलित नहीं है यहाँ पे? ये जनता पूछ रही है सवाल। बता रहे हैं इन्हीं के गठबंधन में जब साथ थे तो यही लोग उनको घर के लोग को टिकट दिए हैं, और कांग्रेस और आरजेडी के लोग उसी समय से जीता हुआ जीता हुआ सीट कोई छोड़ता है क्या? तो आज जो है देश में कोई भी नेता उसके बेटा से सबसे आरजेडी बोलेगी क्या? लालू यादव की विरासत कौन संभाल रहा है? अरे भाई लालू यादव की विरासत कौन संभाल रहे हैं? पूरे दुनिया में पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एक तरफ, रामविलास पासवान, नौजवान है 28 साल का नौजवान। भैया शिवचंदर राम लालू जी के परिवार का नहीं है, एक महुआ का वर्कर जो गाड़ी पर चढ़ के जाता था, उस महुआ के लड़का को लालू यादव ने टिकट देने का काम किया है। यह सामाजिक न्याय की लड़ाई। पीछे 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 चलिए पीछे चलिए। अपने तीन विधायकी का कार्यकाल, आपकी बात हो गई सर। अपने तीन बीजेपी के एक नेता, चार स्टेडियम का निर्माण बीजेपी के एक नेता, पीछे पीछे राष्ट्रवाद के लिए मोदी जी को जिताना है, देश तरक्की कर रहे हैं। माइक पकड़िए आप लोग, नारे मत लगाइए। आप लोगों को कुछ कहना है? अरे हो गया, राजद तेज प्रताप कम निकाल रामविलास जी क्या जाता। अरे सेवड़ी सुनिए ना, सेवड़ी का भाई इतना मीठा है कि जनता ही उसको क्या करेगा कि मोदी जी के हक में दो चल पोस्ट करेगा। और भी सीट जीतेगा बिहार में नरेंद्र मोदी, और भी सीट है। बोले बोले सवाल सवाल पूछिए। बीजेपी के नेता से पूछना चाहता है कि मोदी जी ने विगत 2014 में जो 2000 रोजगार की बात की थी वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, और युवा को पकौड़ा तरने के लिए मजबूर कर रही, कैसा नहीं आया है? रोजगार पे सवाल है, जवाब दीजिए। बीजेपी ने रोजगार की बात कही थी, अधिकतर हो गया, आपका सवाल हो गया, जवाब दीजिए। ज्योति जी बीजेपी के नेता, जवाब दीजिए। बात नहीं चलेगी आज हमारे सरकार में, नहीं चलेगी। युवा बेरोजगार है, 9.5 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के माध्यम से, 9.5 करोड़ व्यक्तियों को मुद्रा लोन के माध्यम से रोजगार देने का काम किया। 5 साल में देश को लूट लिया, 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार की नहीं आई है। लोग यहाँ रोजगार बोल रहे हैं, 55 साल कांग्रेस राज की थी वो हमें गुलाम बनाए। आज जितना ज्यादा स्वरोजगार उत्पन्न हुआ इस देश में भाजपा की सरकार आने से, एनडीए गवर्नमेंट की सरकार आने से। नारी शक्ति की बात करते हैं, परिवार अपना पत्नी को छोड़ दिए, रोजगार और विकास एक चाहते हैं। आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। पीछे किसी के पास सवाल है? एनएचआई रोड बना रही है। एक महिला भी है, कुछ कहना चाह रही हैं। सवाल क्या है आपका, किससे सवाल? नहीं सर, मेरे तो माइंड रिफ्यूज कर रहा है, इतने सारे हल्ले हो रहे हैं, नहीं क्या मार काम नहीं कर। इलाके के लोग हैं, हाजीपुर की जनता है सर, ये जो भी जनता कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। पार्टी की चीजें हैं तो बैठ के अपने अपने जगह पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्या कहना चाह रही बोली सर? नहीं, उस वक्त जब बातें आई थी कि गरीबों को अनाज नहीं मिलता है तो सर जरूर मिलता है, क्योंकि सिस्टम जब आती है सब किसी के लिए आती है। आप कुछ कहना चाह रही? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय रामविलास पासवान जी, यहाँ से कई दशकों से यहाँ से सांसद रहने का काम किए हैं, मेरा मात्र एक सवाल है उनसे कि जो हाजीपुर में कलेक्टरेट परिषद है वहाँ पे आज तक महिलाओं या पुरुष के लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं हुआ। देखिए ये बड़ा मुद्दा है, शौचालय शौचालय की बार बार बात आपकी सरकार करती है, ये कह रहे हैं जो कलेक्टरेट है वही नहीं है शौचालय। शौचालय के इस्तेमाल ना किए हैं, जिला परिषद के दो दो तीन तीन बार मेंबर रही है। अच्छा। इनके कैंपस में जिला परिषद है उसमें इतना है, अच्छा शौचालय बना हुआ है, कलेक्टरेट शौचालय बना हुआ है, हाईटेक शौचालय बना हुआ है, आखिरी हाईटेक शौचालय बना हुआ है। हम कहना साहब रहिए, हम कहना चाहते हैं जनता भाइयों से कि आप अपनी बात कहिए, आप यहाँ भाषण मत दीजिए ना, जैसे कहने का मतलब अभी लोग सारा लोग कर रहा है कि चोर चोर। मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे लग रहा है आप लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी किसी कार्यक्रम में आपसे बातचीत होगी। हाजीपुर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल आपसे सारण में मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज़।